अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर गोंगचेन को देखते हैं जो गोंग कंपनी का सीईओ होता है। रिपोर्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं बट वहीं पर बाओबाओ जो छुपा हुआ बैठा था भीड़ में से निकल के जाके उसे पकड़ लेता है। डैडी मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। तो सब लोग हैरान थे। मिस्टर गोंग पूछता है क्या कहा तुमने? वो कहता है डैडी डैडी आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं और मम्मी हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। रिपोर्टर हैरान थे क्या मिस्टर गोंग का बच्चा भी है? मिस्टर गोंग कहता है बच्चे तुम गलत समझ रहे हो, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। बाबा कहता है अच्छा डैडी फिर ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट देख मिस्टर गोंग हैरान और बाबा को गोद में उठा के ले गया था। रिपोर्टर सुन के पीछे थे। बाबा खुश हो रहा था ये बिलीनियर डैडी की वजह से हम भी रिच हो जाएंगे। तभी जिन्यू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को किडनैप करने की? बट उसे देख के हैरान ये तो वही है। इनफैक्ट 5 साल पहले जब वो दोनों नशे में थे उनका वन नाइट स्टैंड हो गया था एक बार में और फिर उस वन नाइट स्टैंड की वजह से जिन्यू के 5 साल बाद 6 बच्चे होते हैं। बच्चों अगर तुम्हारे डैडी ने तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी है ना, मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ। सब बच्चे कहते हैं हमारे डैडी हैं, हमने इन्वेस्टिगेट किया है, हमारे डैडी बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। तो सोचती अगर मुझे उस दिन अपनी बीमारी की गलत इन्फॉर्मेशन ना मिलती तो मैं बार में जाके लड़का ना ढूंढती। ढूंढा भी तो गोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट, इसे अपना बच्चा नहीं छीने दूंगी। और कहती है सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही 5 साल पहले वाली लड़की हो ना। तो कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो। वो कहता है बाबा मेरा बेटा है, अगर 5 साल पहले वाली तुम नहीं थी तो ये तुम्हारी मम्मी को बोल रहा है। मिक्की रिकी कहते हैं बड़े भाई का डैड को ढूंढने का प्लान फेल हो गया मम्मी की वजह से। इनफैक्ट मिस्टर गोंग ने 5 साल पहले अपने असिस्टेंट को उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था पर असिस्टेंट ने बताया था कि पता चला है वो लड़की बार की एम्प्लॉय नहीं थी, मिस्टर गोंग उसे पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था। और कहता है इतने टाइम से मेरे बच्चे को छुपा के रखा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को पूरा लाइफ जीनी पड़ी। जिन्यू कहती है हो गए तुम कहीं के प्रेसिडेंट पर मेरे बच्चे ने मुझसे नहीं छीन सकते। मिस्टर गोंग कहता है मैं बच्चे का बाप हूँ, उसे बेटर लाइफ दूंगा, ऐसी लाइफ नहीं जीने दूंगा, देखो तुमने बेचारे की क्या हालत कर दी है। जिन्यू कहती है मैंने अपने बेटे को कई सालों से पाला है, ऐसे कैसे छीन लोगे? अगर उसकी लाइफ अच्छी करने चाहते हो तो 1 बिलियन ही दे दो। मिस्टर गोंग कहता है तभी तुमने बाबा को रिपोर्टर्स के सामने भेजा था पैसों के लिए? जिन्यू कहती है मुझे पता तुम नहीं दोगे, चलो बाबा। पर वो कहता रुको ये रो 1 बिलियन का क्रेडिट कार्ड, मुझे बाबा की कस्टडी दे दो, तुम्हारा उससे कोई लेने देना नहीं होगा। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बट मिस्टर गोंग उसे पीछे करके बाबा को गोद में उठाकर अपनी कार में ले गया था। वो कहती है मेरे बच्चे को मुझे वापस करो, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? बाबा सॉरी। मिस्टर गोंग की कोल्ड होने की र्यूमर सही है इसका मतलब? नहीं नहीं एक तो खो चुकी हूँ, मुझे बाकी 5 बच्चों को बचाना होगा। तभी उसे को टकराता है कि उसका कार्ड गिर जाता है। वो उसकी कजन निकलती है जो कहती है जिया ने जब से तुझे छोड़ा है तेरा किसी जंगली के साथ वन स्टैंड हो गया था, तो प्रेग्नेंट हो गई थी। जिन्यू कहती है बच के रहना, वो जिया किसी दिन तेरे लिए भी मिस्टर्स ढूंढ लाएगा। और उसे धक्का मार के चली जाती है। कजन गुस्से में पर नीचे पड़ा क्रेडिट कार्ड उठा लेती है। फिर वो शॉप पे जाकर ट्राई करती है, मैं तो सच में रिच हो गई, इसमें 1 बिलियन है। बाबा सोता हुआ मम्मी बड़बड़ा रहा था। मिस्टर गोंग सोचता है सोचा नहीं था मेरा बेटा भी होगा। असिस्टेंट कहता है आपकी ग्रैंड मैं बहुत खुश होंगी। पर यंग मास्टर अपनी मम्मी को याद कर रहा है। मिस्टर गोंग के फोन में धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे कि उसके क्रेडिट कार्ड में से पैसे कट रहे हैं और कहता है वो लालची लड़की मेरे बच्चे की मॉम बनने के लायक नहीं है। जिन्यू घर आती है, पता नहीं 1 बिलियन रियल है या फेक, चेक करती है क्रेडिट कार्ड कहाँ गया, खो गया क्या, मुझे तो उसे वापस करना था, चलो छोड़ो। बाबा सो गया था तो मिस्टर गोंग उसे गोद में लेकर अपने घर लेके आता है और मेड्स लाइन में आके उसका वेलकम कर रही थी। ग्रैंडमा न्यूज में देख लेती है कि मिस्टर गोंग का एक इलेजिटिमेट सन है, उसे देख कहती है ये है मेरा प्यारा ग्रेट ग्रैंडसन, काश और भी होते, पर इससे कंपनी के स्टॉक्स पे असर पड़ेगा, तू क्या करने वाला है? मिस्टर गोंग कहता है मैंने बच्चे की कस्टडी ले ली है, पर बच्चे की मॉम किसी काम की नहीं, उसे 1 बिलियन दे के बच्चा ले लिया। ग्रैंडमा गुस्से में थी, कितना हार्टलेस है, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन सिर्फ 1 बिलियन का है। मिस्टर गोंग कहता है आपको नहीं पता वो लड़की कितनी लालची है। ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता, बच्चे की मॉम लेकर आ। और सोचती है क्या वो लड़की सच में लालची है, मुझे खुद ही पता करना होगा। मिस्टर गोंग बाबा को सोफे पे लिटा के फोन पे बात करने लगा था। बाबा सोचता है वाओ डैडी का घर तो बहुत बड़ा है, काश मेरी मम्मी और सारे भाई बहन भी यहाँ जाए, मजा ही आ जाएगा। मिस्टर गोंग कहता है चिंता मत करिए, उस न्यूज से गोंग ग्रुप और जियांग ग्रुप की बिजनेस मैरिज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबा सुन लेता है तो मिकी और रिकी को कॉल करके बताता है कि
डैडी तो किसी और से शादी करने जा रहे हैं। वो दोनों बहरान, डैडी कितने बुरे हैं। हम तो डैडी को ढूंढ के पता करना चाहते थे कि वो हमारी मम्मी के लायक है भी या नहीं, पर उन्होंने तो हमारे लिए स्टेप मॉम ढूंढ रखी है। बैड डैडी, रणमा कहती है वो नलायक तो मुझे बच्चों की माँ से मिलने नहीं देगा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। बट तभी कार में झटका लगता है। आगे गोल्डमैन बैठा था, तुम लोगों ने मुझे ठोक दिया है, मेरा पैर टूट गया, अब पैसे दो। मिकी और रिकी वहीं बैठे थे तो देखने चलने लगते हैं। ड्राइवर बताता है कि मैंने तो पहली कार रोक दी थी, पर वो ओल्ड मैन अटक कर रहा था, तो ग्रैंडमा समझ जाती है कि वो स्कैम कर रहा है। इतने में मिकी रिकी आ जाते हैं। ग्रैंडमा आप इन ओल्ड मैन को रिपे क्यों नहीं कर देती। ग्रैंडमा सोचती है ये बच्चे तो बिल्कुल गोंग जैसे दिख रहे हैं। मिकी रिकी कहते हैं ओल्ड मैन चिंता मत करिए, इतने सारे लोग हैं, हम प्रूफ के लिए आपकी फोटो खींच देते हैं, अपना फोन देना। ओल्ड मैन फोन देता है तो मिकी रिकी उनका फोन लेके भाग पड़ते हैं। ओल्ड मैन पीछे भागता है, मेरा फोन चुरा लिया। तो ग्रैंडमा हंस रही थी। मिकी कहता है आपका तो पैर टूट गया था ना, तो अभी भागे कैसे। लोग कहते हैं ये तो सच में स्कैमर निकला, तो वो ओल्ड मैन भाग जाता है। ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों क्यूट बच्चों का थैंक यू। इतने में जिन्यू आ जाती है, मिकी रिकी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है थैंक यू तुम्हारे बच्चों का, और तुम्हारा भी जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। इनका डैड कहाँ है। वो कहती है बच्चों की डैड की डेथ हो गई। मिकी कहता है नहीं तो, डैडी को स्टेप मॉम ने सड्यूस कर लिया। ग्रैंडमा सोचती है तो ये गोंग के बच्चे नहीं हो सकते हैं, और कहती है एज ए थैंक यू मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, और उन्हें अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाने लगती है। पर वहाँ पे कजन और उसका बॉयफ्रेंड जियान होते हैं, जो उसे नीचे दिखाने लगे थे। 5 साल पहले तेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था, यही जंगली है, वो इतने बड़े हो गए। ग्रैंडमा कहती है तुम लोगों को तमीज नहीं है। कजन कहती है तू बुढ़िया बीच में क्यों बोल रही है, कहीं उस जंगली की माँ तो नहीं है। पता है मैं ली ग्रुप की एग्जीक्यूटिव हूँ, और गोंग कंपनी के साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। जिन्यू कहती है तेरी हरकतें देखने के बाद तुझे कभी वो कॉपरेशन नहीं मिलने वाला, और मिकी रिकी उसे चढ़ाते हुए जाने लगे थे। देन कजन छिड़ जाती है। ग्रैंडमा सोचती है काश ये भी मेरे ग्रेट ग्रैंडसन होते। कजन और जियाना चाहते हैं कजन का ब्रेसलेट खो गया, तूने चुराया है। जिन्यू कहती है मैंने तुझे टच भी नहीं किया, तो मुझ पे इल्जाम मत लगा। कजन कहती है अगर तूने चोरी नहीं की तो लग्जरी फैंग रेस्टोरेंट में कैसे घुस आई, और मैनेजर को बुला लेती है। वो कहता है जल्दी ब्रेसलेट दे दो वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। देन जियाना और मैनेजर जिन्यू के साथ जबरदस्ती करने लग गए थे। ग्रैंडमा बच्चों को बचा रही थी तो रिकी गुस्से से जियान को काट लेता है। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम लोगों को बाहर फिकवा दूंगी। वो हंसते रहते ये बुढ़िया कर लेगी। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ। जिन्यू चिंता मत करो। जिन्यू कहती है ग्रैंडमा आप जाइए, ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, आप क्यों प्रॉब्लम में पड़ रही हो। ग्रैंडमा कहती है तुमने मेरी हेल्प की, मैं तुम्हें बुली नहीं होने दूंगी, अभी अपने ग्रैंडसन को कॉल करती हूँ। और मिस्टर गोंग को कॉल करती है, पर कजन उनका फोन छीन के तोड़ देती है। मिस्टर गोंग कहता है ग्रैंडमा प्रॉब्लम है, गाड़ी निकालो। बाबा कहता है मैं भी चलूंगा, तू उसे भी ले जाता है। फिर एक कार की एंट्री होती है, बॉडीगार्ड्स लाइन लगा कर खड़े थे, उसमें से मिस्टर गोंग बाबा को गोद में लेके निकलता है और रेस्टोरेंट में जाने लगा था। वो लोग कहते हैं पहले इस बुढ़िया को सबक सिखाते हैं। जिन्यू कहती है ग्रैंडमा कुछ मत करना, तो वो उसे गिरा देते हैं। मिकी रिकी कहते हैं डैडी बचाओ हमें। बाबा कहता है मेरी मम्मी को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई। मिकी रिकी कहते हैं डैडी बचा लो हमें। बाबा कहता है मेरे भाइयों को बुली किया, मुझे गुस्सा आ रहा है। मिस्टर गोंग हैरान, ग्रैंडमा सोचती है जिन्यू बाबा की मॉम है, फिर तो ये दोनों बच्चे भी। मिस्टर गोंग कहता है तुम बच्चों ने क्या कहा। तो मिकी रिकी खुद को छुड़ा के भाग जाते हैं। मिस्टर गोंग उनके पीछे जाने लगा था। बाबा कहता है डैडी मम्मी को बचाओ। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। बाबा कहता है मम्मी आप ठीक हो ना। जियांग बड़बड़ाने लगा था तो मिस्टर गोंग उसे किक कर देता है। ग्रैंडमा कहती है तुम लोगों को गोंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना है। मिस्टर गोंग कहता है ये इसके लायक नहीं है। बाबा कहता है मेरे डैडी गोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। पहले तो वो हैरान थे, मैनेजर सोचता है मैं गया काम से। जियान कहता है इस जिन्यू का बॉयफ्रेंड मिस्टर गोंग कैसे हो सकता है, हमारा पागल बना रहा है। कजन कहती है ये एक्टर कहाँ से ढूंढा है, दिखने में काफी अच्छा है। जिन्यू ने तुझे कितने पैसे दिए, मैं उसका डबल दूंगी। तो वो उसे धक्का मार देता है। अब से गोंग ग्रुप ली कंपनी के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा, बट वो लोग यकीन नहीं करते। पर तभी वहां पर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है, तो कहते हैं ये तो गोंग ग्रुप का असिस्टेंट है। उसकी शिकायत करने लगे थे, बट वो सब मिस्टर गोंग को ग्रीट करते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे मिस्टर गोंग को ऑफेंड करने की, बॉडीगार्ड्स पकड़ लो इन्हें। तो वो सब पैरों में गिर के माफी मांगने लगते हैं। बाबा कहता है पर तुम लोगों ने मेरी मम्मी को बुली किया। तो कहते हैं यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए। जिन्यू मैं तो तेरी कजन हूँ। जिन्यू कहती है मेरे तेरे से कोई रिलेशन नहीं है, तुम लोगों ने ग्रैंडमा के साथ भी गलत ट्रीट किया था। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के लेके जाने लगे थे। कजन कहती है मिस्टर गोंग ये झूठी है, इसके 3 बच्चे हैं, कोई भी तुम्हारा नहीं है। मिस्टर गोंग कहता है रुको, इसके 3 बच्चे हैं, जिन्यू मुझसे कितने बच्चे छुपा रही हो। जिन्यू कहती है सिर्फ बाबा मेरा है, बाकी इसके क्लासमेट थे। कजन कहती है वो तुझे मॉमी बोल रहे थे।
जिन्यू कहती है वो अडॉप्टेड है, बट मिस्टर गोंग उसके क्लोज आने लगता है। अगर वो तुम्हारे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं है तो मुझे डैडी को बोल रहे थे। वो कहती है वो बेचारे बच्चे बिना फादर के है ना, तुम टॉल हैंडसम हो इसलिए तुम्हें फादर बोल दिया होगा, बाबा ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया होगा, है ना बाबा। बाबा कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे दो भाई नहीं है। और सोचता है मेरे तीन भाई और दो बहनें हैं। मिस्टर गोंग कहता है मुझे पता तुम अपनी मॉम की साइड ले रहे हो, पर आजकल डीएनए टेस्ट पॉसिबल है तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। और सोचता है तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है, मेरी मॉमी के साथ उलझोगे। जिन्यू कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर मैंने तुम्हारे बच्चे छुपाए तो मेरी कभी शादी ना हो। ग्रैंडमा हंस पड़ती है। मिस्टर गोंग कहता है वो जो दो बच्चे अभी भागे थे उन्हें पकड़ के लाओ। तो कहती है मैंने बोला ना वो बच्चों का तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता है जो लड़की पैसों के लिए अपने बच्चे को बेच दे वो सच कैसे बोल सकती है। जिन्यू कहती है क्या मतलब तुम्हारा। ग्रैंडमा सोचती है ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को गुस्सा दिला रहा है। और कहती है जिन्यू ने बोला ना वो बच्चे तुम्हारे नहीं है, समझ नहीं आता। वो कहता है ग्रैंडमा। जिन्यू हैरान ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है किसकी ग्रैंडमा, मैं तुझे नहीं जानती, मेरा तेरे जैसा ग्रैंडसन नहीं हो सकता। मिस्टर गोंग के तो होश उड़ गए थे। ग्रैंडमा कहती है देखो तो सही, कितना यूजलेस है, बच्चे तुझे पहचान नहीं रहे, इसका मतलब तू अच्छा फादर नहीं बन पाया। मिस्टर गोंग कहता है अभी मैंने तो आपको बचाया है। ग्रैंडमा कहती है थोड़ा सा अमीर ही तो है, उसी का शो ऑफ कर रहा है। बाबा कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे ना होते ना तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता। मिस्टर गोंग कहता है शट अप। बाबा कहता है मम्मी देखो ना मुझे डांट रहे हैं। वो कहती है तुम 5 साल के बच्चे पे चिल्ला रहे हो, प्यार से बात करनी नहीं आती क्या। और बाबा को किस करती है। ग्रैंडमा मिस्टर गोंग को डांट रही थी तो बाबा हंसता है, कहती है ग्रैंडमा मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा सोचती है मैं दोनों बच्चों को जाके ढूंढती हूँ और चली गई थी। मिस्टर गोंग कहता है 1 बिलियन कम पड़ गए थे जो बड़ों के पीछे पड़ गई। और बाबा को अपने साथ ले जाता है। मिकी लेके जा रहे थे, भाई कुछ अजीब अंकल हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे ये तो स्कम बैग डैडी के बंदे हैं, मम्मी से बाबा तो खो गया, हम नहीं खोएंगे। और भाग पड़ते हैं असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उनके पीछे, बट वो दोनों छुप गए थे। पीछे से उन्हें कोई पकड़ता है, वो ग्रैंडमा निकलती है चलो मेरे साथ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तो वो ग्रैंडमा को घर ले आते हैं। ये हमारा घर है, मम्मी आएंगी तो आपका थैंक यू करेंगी। घर पे तीनों और बच्चे देख के ग्रैंडमा हैरान, तो वो सब अपना अपना नाम बताने लगे थे। हम मिकी रिकी हैं, मैं व्हाइट हूँ, मैं रोज हूँ और मैं लिली। ग्रैंडमा गिनने लगते हैं इतने सारे बच्चे, गॉड ने तो वरदान ही दे दिया। और फिर डीएनए टेस्ट के लिए सबके हेयर तोड़ लेती हैं, बच्चों के साथ खेलने लगी थी। जिन्यू घर आती है, बच्चे वेलकम करते हैं, पर वो ग्रैंडमा को देख हैरान। मिकी कहता है मॉमी बैड गाइस हमारे पीछे पड़े थे ना तो ग्रैंडमा ने बचाया। ग्रैंडमा रोने का नाटक करने लगती है मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, ग्रैंडसन मेरी बात नहीं सुनता, मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ ना। बच्चे कहते हैं ग्रैंडमा रो मत, अब से हम आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। ग्रैंडमा कहती है थैंक यू, इतने सारे बच्चे हैं इनका बाप कौन है। जिन्यू कहती है इनफैक्ट मैंने ये बच्चे अडॉप्ट किए हैं, मेरी एक फ्रेंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो उसी के बच्चे हैं। और सोचती है मैंने बाबा तो खो दिया, बाकी नहीं खोने दूंगी। ग्रैंडमा ड्राइवर को हेयर सैंपल देती है, इसका मिस्टर गोंग के साथ डीएनए टेस्ट कराना। ड्राइवर कहता है आप बॉस को क्यों नहीं बता देती। ग्रैंडमा कहती है वो नालायक तो जिन्यू को लालची समझता है, उन दोनों की लड़ाई से बच्चे डर जाएंगे। जिन्यू बाबा को लेकर कंपनी आ रही थी तो रिसेप्शनिस्ट यंग मास्टर का वेलकम करती है कि मिस्टर गोंग का बच्चा कितना क्यूट है। पर इसके साथ वो लड़की कौन थी, क्या पता इसे गोंग ग्रुप में कैसे जॉब मिली होगी। जिन्यू कहती है बाबा मम्मी काम करेगी, तुम डैडी के पास जाओ। बाबा कहता है मम्मी भूलना मत, किसी ने बुली किया तो मुझे याद कर लेना। और किस करके बाय करके चला जाता है। फिर वो एक जगह छुप के मिकी रिकी को कॉल करता है, मम्मी ने गोंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया पर मैं मम्मी के पास नहीं रह सकता तो तुम दोनों को मम्मी का ध्यान रखना होगा। वो दोनों कहते हैं भाई समझ गए। एक लड़की के आते ही बाबा चुप हो जाता है। जियांग खाने में कुछ मिला रही थी, सोचती है बच्चा ही तो है, मैं भी जन्म दे सकती हूँ। बाबा कहता है ये क्या कर रही हो। जियांग कहती है तुम मिस्टर गोंग के बेटे हो ना, मैं जियांग तुम्हारी फ्यूचर मम्मी, अरे डैडी के लिए सूप बनाकर लाई हूँ। बाबा कहता है तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी जिन्यू है, अभी सूप में क्या मिलाया, मेरे डैडी को मानना चाहती हो। जियांग कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे डैडी से शादी करने वाली हूँ, उसे क्यों मारूंगी। बाबा कहता है मैं अभी डैडी को जाके बताता हूँ। तो सोचती है अपना प्लान नहीं फेल होने दूंगी और उसे पकड़ के ले जाती है। इधर मिकी रिकी उसके आवाज सुन लेते हैं, लगता है बाबा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जल्दी मम्मी को बताना होगा। मम्मी तो लगता है बिजी है, फोन नहीं उठा रही। पुलिस को बताएं पर पुलिस पूछेगी हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो हमें जाकर बचाना होगा। जियांग बाबा को रूम में लॉक कर देती है। और मिस्टर गोंग के ऑफिस में सूप ले आई थी, तुम्हारे लिए बनाया है। वो कहता है बाबा को भी बुला लेता हूँ मैं। बाबा कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर सिग्नल नहीं आते।
पर मैं उस बुढ़ी लड़की को कामयाब नहीं होने दूंगा, इस लॉक को खोलना होगा। इधर सोपे थे ही मिस्टर गोंग की हालत खराब होने लगी थी तो जियांग उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो कहता है, क्या कर रही हो? तो कहती है, हमारी शादी वैसे भी होने तो वाली है तो मैं तुम्हें बच्चा देना चाहती हूँ। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, नशा मिलाया? उसे धक्का मारता है तो जियांग उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। बाबा कर कहता है, मम्मी उस बुरी लड़की ने डैडी को फंसा दिया, चलो डैडी को बचाएं। उसे खींच के ले जाने लगता है। जिन्हू गेट बचाने लगती है, मिस्टर गोंग आपसे डॉक्यूमेंट पे साइन कराने हैं। जियांग कहती है, मैं अभी आती हूँ। बट जिन्हू बाहर डंडा लेके खड़ी थी, जैसे वो गेट खोलती है उसकी टकली मार के उसे बेहोश कर देती है। जिन्हू अंदर जाके चेक करने लगी थी तो बाबू बाहर से गेट लॉक कर देता है। जिन्हू कहती, मिस्टर गोंग तुम ठीक तो हो ना? बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो उसे रोक रही थी तो जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए वो उसे धक्का मार देती है। मैं भी तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ के लाती हूँ। बाबू कहता है, मम्मी डैडी को क्या हुआ? वो कहती है, उसे डैडी मत बोलो, बैड गाय है। इधर मिकी और रिकी कंपनी में अपनी सुपर कॉस्ट्यूम पहन के आए थे। मम्मी फोन नहीं उठा रही, बहुत चिंता हो रही है, पहले डैडी को जाकर उस बुरी लड़की से बचाना होगा। और जाने लगे थे, जिन्यू कहती है, ऐसा लगा मिकी रिकी थे पर वो तो अपने क्लास में होंगे। डॉक्टर मिस्टर गोंग का नशा उतार देता है। असिस्टेंट कहता है, इस जियांग का क्या करना है? मिस्टर गोंग कहता है, एक बार रुकने तो दो, फिर जियांग फैमिली से कोई कोऑपरेशन नहीं। और फिर जाता हुआ दोनों बच्चों से टकरा जाता है। मिकी रिकी कहते हैं, बैड डैडी, अरे भागो, बट वो दोनों को पकड़ लेता है, तुम दोनों फिर से, और दोनों को दोनों हाथों से उठा के ले जाता है। बाबा कहता है, मम्मी मुझे डैडी की चिंता हो रही है, एक बार देखने चले। मिकी रिकी कहते हैं, हम यहाँ गलती से आ गए। मिस्टर गोंग कहता है, गलती से? ये गोंग ग्रुप है, कहीं जिन्यू तो नहीं तुम्हें लेके आई? मिकी रिकी कहते हैं, अंकल आप क्या बोल रहे हो, उधर देखिए क्या है। पर उसे पागल ही नहीं बना पाते और सोचता है, क्या ये दोनों बच्चे भी मेरे हैं? मिकी रिकी कहते हैं, हम तो अपने बड़े भाई को बचाने आए थे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। मिस्टर गोंग कहता है, जाने दूंगा, पर पहले ये बताओ तुम्हारा जिन्यू से क्या रिलेशन है? तभी जिन्यू आ जाती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, मम्मी हमें बैड गाय मिल गया। तो कहती है, सॉरी मिस्टर गोंग, बच्चे गलती से आ गए, लेके जाने लगी थी। वो कहता है, रुको, मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी? वो कहती है, पिछली बार बताया था मैंने इन दोनों को अडॉप्ट किया है। वो कहता है, अडॉप्टेड बच्चे मुझे डैडी बोल रहे हैं। झूठ बोल रही हो, ये मेरे बच्चे हैं ना? जिन्यू कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बाबा 5 साल का है पर ये दोनों सिर्फ 4 साल के। देखो इन दोनों को अडॉप्शन सर्टिफिकेट। और सोचती है, अच्छा वो मैंने फेक बनवा लिया था। बट मिस्टर गोंग फोन करता है, डॉक्टर मेरा इन दोनों बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट करो। जिन्यू कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, अडॉप्शन सर्टिफिकेट दिखा तो दिया। मिस्टर गोंग कहता है, अच्छा कौन सी मॉम होगी जो अपने बच्चों का अडॉप्शन सर्टिफिकेट लेके घूमती है? वो कहती है, तुमने पिछली बार बच्चों की आइडेंटिटी पूछी थी ना, इसलिए मैं लेके आई हूँ। वो कहता है, क्या मैं डेविल हूँ जो तुम और तुम्हारे बच्चे मुझसे इतना डरते हैं? जिन्यू कहती है, तुम डेविल नहीं हो तो क्या हो? पहले मेरा बाबा छीना, अब मेरे अडॉप्टेड बच्चों के पीछे पड़े हो। वो कहता है, अगर मेरे बच्चे होंगे तो लग्जरी लाइफ जिएंगे, तुम्हारी तरह पुअर लाइफ नहीं। वो कहती है, अच्छा और तुम्हारे तो फियांसे है? मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे किसी और को मॉम बोले। बाबा इशारा करता है तो मिकी रिकी वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर गोंग भागने लगा था तो वो उसे पीछे से पकड़ लेती है। तुम इतने हॉट कैसे हो रहे हो, कहीं फिर से नशे का असर तो नहीं हो रहा? मिस्टर गोंग कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? तो वो उसकी गोद में चढ़ जाती है, चिल्लाने लगी थी। वो कहता है, उतरो वरना फेंक दूंगा। इतने में ग्रैंडमा जाती है, गोंग बच्चों की रिपोर्ट आ गई। पर जिन्यू यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर गोंग पूछता है, कौन सी रिपोर्ट? तो कहती है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट, मैं एज ए क्लीनर गोंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्यू कहती है, ग्रैंडमा आप भूल गई, इस ड्रेविल को आपने पिछली बार कितना डांटा था। ग्रैंडमा कहती है, भले ही ड्रेविल है पर अच्छे पैसे मिलेंगे। और उन्हें नाटक करने लगी थी तो कहती है, चिंता मत करिए, मैं आपकी रिपोर्ट सबमिट करा देती हूँ। तो ग्रैंडमा भी उसके पीछे भागने लगती है। जिन्यू जाके रिसेप्शनिस्ट को रिपोर्ट देती है, ये हमारी न्यू क्लीनर है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे बहुत काम है। पर जैसे वो मिस्टर गोंग का नाम लेते हैं तो कहती है, अभी करती हूँ। जिन्यू कहती है, ग्रैंडमा चिंता मत करिए, काम हो जाएगा। और उन्हें ले जाती है। मिस्टर गोंग के कहने पे बॉडीगार्ड जियांग को बाहर निकालने आए थे। रिसेप्शनिस्ट कहती है, डीएनए रिपोर्ट? मिस्टर गोंग का तो एक ही बेटा था ना, तो और बच्चे कहाँ से आए? क्या यह सच है? मुझे मिस्टर गोंग को बताना होगा। और फोन करने वाली थी पर जियांग रोक देती है। रिपोर्ट देख के हैरान, मिस्टर गोंग के इतने सारे बच्चे हैं। और कहती है, किसी ने प्रैंक किया होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए रिपोर्ट फाड़ के फेंक देती है। फिर देखती है कंपनी का एक एम्प्लॉय एक लड़की को छेड़ रहा था, तो सोचती है, लगता है उस जिन्यू को मजा चखाना पड़ेगा। ग्रैंडमा जिन्यू के पीछे पीछे, वो फोन करती है, मिकी रिकी तुम घर पहुंच गए? पता कितना डेंजरस हो सकता था, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। वो दोनों कहते हैं, सॉरी मम्मी, उस बुरी लड़की ने बाबा को लॉक कर दिया था, हम उसी को बचाने आ रहे थे।
जिन्यू हैरान, तुम दोनों घर पे रहना। फोन काटती है, ग्रैंडमा आप यहाँ? ग्रैंडमा कहती है, मिस्टर गोंग ने तुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। और उसे बेच के बड़ा खुश हो रही थी। रोज लिली कहते हैं, मिकी रिकी तुमने गलती कर दी, स्कमबैग डैडी ने तुम्हें पकड़ लिया। वैसे एक बार देखा जाए फायदा यह है, बाबा ने बताया है कि डैडी घर पे बहुत सारा टेस्टी खाना है। बाबा कहता है, तुम ये सोच रही हो? ये सोचो कि डैड उस बुरी लड़की से शादी करने जा रहे हैं, वो तो हमें बहुत बुली किया करेगी। मिकी रिकी कहता है, पर डैडी ने हमें देख लिया तो पकड़ भी लेंगे। बाबा कहता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। जैसे ही जनियो मिस्टर गोंग के ऑफिस में आती है, डॉक्टर कहता है, बॉस को ये वाली मेडिसिन दे देना। वो कहती है, पर मैं तो, मिस्टर गोंग कहता है, अब से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैं बीमार हूँ तो मेरा ध्यान रखना। मैंने बाबा के कहने पे तुम्हें जॉब दी है, वरना कॉलेज ड्रॉप आउट तुम्हें तो कंपनी के अंदर भी नहीं घुसने देते। वो बड़बड़ा रही थी, मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म देने के लिए स्कूल छोड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की बैन बच गई। मिस्टर गोंग कहता है, तो किसने कहा था बार में जाके वन नाइट स्टैंड करने को? तो गुस्से से धक्का मार देती है। उसे दर्द हो रहा था तो कहती है, बॉस मेडिसिन खा लीजिए। मिस्टर गोंग कहता है, क्यों? तुम्हारे डॉक्टर बच्चों के साथ बाबा भी भाग गया, पता है वो कहाँ है? वो सोचती है, मन तो कर रहा है इसे उड़ा दूं। तो कहता है, मुझे घूर तो ऐसे रही जैसे मारे डालोगी। तो कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? और उसके मुंह में मेडिसिन ढूंस देती है। बट वो स्माइल कर रहा था। असिस्टेंट आके बताता है कि वो दोनों बच्चे इस एड्रेस पे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, तो वो सब अपनी कार से वहीं पहुंचाते हैं। असिस्टेंट बताता है, जिन्यू जो अडॉप्शन फाइल दिखा रही थी उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कहता है, मुझसे झूठ बोल रही थी? डॉक्टर कहता है, मैं डीएनए टेस्ट करने का सारा सामान लाया हूँ, एक घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। जिन्यू एप्पल काट रही थी, उसकी चोट लग जाती है, तो सब बच्चे उसकी केयर करने लगे थे। जिन्यू कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को भी तुम सबको मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। मिस्टर गोंग उस बिल्डिंग में जाने लगता है, वहां की हालत देख कहता है, वो मेरे बच्चे को ऐसी जगह पे रख रही है। असिस्टेंट कहता है, बॉस ये तो आपकी ब्लड लाइन के साथ नाइंसाफी है, हमें जल्दी यंग मास्टर और यंग लेडी को लेके आना पड़ेगा। वहां उसे इतनी गंदगी लग रही थी कि हाथ भी नहीं रख रहा था। मिस्टर गोंग गेट पे जाता है, जिन्यू गेट खोलो। इधर जिन्यू देखती है कोई उसके घर पे आया है और गेट खोलने जाने लगी थी। ऐसा लग रहा था जिन्यू पकड़ी जाएगी, पर जैसे वो दोनों गेट खोलते हैं एक आदमी निकलता है। तुम नए किरायेदार हो, इन्फॉर्मेशन भर दो। सारे बच्चे चैन की सांस लेते हैं। इनफैक्ट बाबा ने यही आइडिया दिया था कि हम घर चेंज कर लेते हैं। मिस्टर गोंग के लिए ओल्ड मैन गेट खोलता है, पूछता है, कौन हो तुम? मिस्टर गोंग कहता है, एक लड़की और उसके साथ बच्चे रहते थे, कहाँ है वो? तो कहता है, वो पुराने किरायेदार है। और पैसे देता है तो ओल्ड मैन बताता है कि शायद वो पुराने किरायेदार होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ होंगे, ये रहा उनका सामान, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। तो मिस्टर गोंग और असिस्टेंट जाने लगे थे, पर डॉक्टर उस सामान में एक डीएनए रिपोर्ट देख लेता है और मिस्टर गोंग को बताने के लिए पीछे भागता है, पर वो तो चला गया था। तो सोचता है, मुझे पहले कंफर्म करना होगा। जिन्यू को कॉल आ रहा था, बच्चे कहते हैं, क्या स्कमबैग डैडी को कॉल है? कहीं वो पुराने घर में तो नहीं गए थे? अच्छा वो नए घर में आ गए। जिन्यू फोन उठाती है, बॉस क्या हुआ? वो कहता है, घर चेंज करने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ है तुम्हारा नया घर? मैं बाबा को कभी कभी घुमा लाऊंगा। जिन्यू कहती है, क्या बोल रहे हो मिस्टर गोंग, आप मेरे घर पे आओगे? मैं अकेली रहती हूँ, आप क्या करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना। और फोन काट देती है। जियांग मिस्टर गोंग को आगे चिपटने लगी थी, बट वो धक्का मार देता है, मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। वैसे भी पहले बिजनेस अलायंस के अलावा कुछ नहीं था, तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहो, मैं सबको अनाउंस करने वाला हूँ। बाबा सुन लेता है, डैडी इतने भी स्टूपिड नहीं है, यानी मम्मी डैडी साथ हो सकते हैं। और बताता है कि लेटेस्ट न्यूज, डैडी उस बुरी लड़की से शादी नहीं कर रहे। मिकी रिकी कहते हैं, पर मम्मी को तो डैडी कुछ खास पसंद नहीं है। वो कहता है, मेरे पास प्लान है। जियांग ग्रैंडमस कहती है, क्लीनर इधर आ, मेरे शूज गंदे हैं, साफ कर। एम्प्लॉय कहती है, प्रेसिडेंट की वाइफ की बात नहीं सुनी, इधर आ। तो ग्रैंडमा गुस्से से पोछा मारने लगती है। जियांग कहती है, पता है मेरे शूज कितने एक्सपेंसिव है? उन्हें धक्का मार देती है। जिन्यू आके पकड़ लेती है, भले तुम रिच लेडी हो पर बड़ों के साथ बिहेव करने की तमीज नहीं है। जियांग ग्रैंडमा की मारने लगती थी तो उसके ऊपर पानी फेंक देती है, तुमने बाबा को भी रूम में लॉक किया था ना, आगे से ऐसी घटिया हरकत कर भी मत देना। ग्रैंडमा कहती है, हिम्मत कैसे बच्चे को बुली करने की? जियांग कहती है, मिस्टर गोंग से शादी करके मैं बाबा की स्टेप मॉम बनूंगी, फिर मैं चाहे उसे अब्यूज करूं, बुली करूं, तुम्हें क्या? तो ग्रैंडमा उसको थप्पड़ मार देती है, कितनी घटिया है तू। एम्प्लॉय कहती है, प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को बहुत लव करते हैं, अब तुम्हें फायर कर देंगे। ग्रैंडमा कहती है, मैं भी देखता हूँ वो मुझे कैसे फायर करता है। जियांग कहती है, मिस्टर गोंग बिजी होगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करते। जिन्यू, पता नहीं तुम कंपनी में कैसे घुसी, छोड़ दो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ग्रैंडमा कहती है, जिन्यू तेरे जैसे नहीं है, उसका एक अच्छा खासा बॉयफ्रेंड है, रिच और हैंडसम, मेरा ग्रैंडसन। एम्प्लॉय कहती है, इसका बॉयफ्रेंड तो कोई बुढ़ा ही होगा। जिन्यू कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, देख के तुम्हारी जल जाएगी।
तो वो लोग कहते हैं, हिम्मत है तो बुला। ग्रैंडमा फोन करने में लगी थी। जिन्यू कहती है वो बिजी होगा। जियांग कहती है इस वीकेंड कंपनी की चैरिटी रिसेप्शन है, हिम्मत है तो उसके साथ आना। तो ग्रैंडमा हाँ कर देती है। जिन्यू कहती है ग्रैंडमा आपने ऐसा क्यों बोला, मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढूंगी अब। ग्रैंडमा कहती है मेरा ग्रैंडसन है ना, तू उससे मिली भी है। वो कंफ्यूज थी। फिर ग्रैंडमा मिस्टर गोंग के पास जाती है। वो कहता है आप चाहती हो मैं जिन्यू के साथ रिसेप्शन में जाऊँ, वो पैसों की लालची उसका साथ क्यों दूँ। ग्रैंडमा से मार के कहती है तुझे इंसान की परख ही नहीं है, तू रिसेप्शन में आ जाना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है। जिन्यू आती है, मिस्टर गोंग से देखते रह गया था। वो कहती है बॉस क्या काम है। तो कहता है मुझे इस वीकेंड पार्टी में जाना है, तो कपड़े चूज करो। वो सोचती है ये भी रिसेप्शन में जा रहा है, वो व्हाइट वाले सही होंगे। बाबा तुम्हें कौन सा पसंद है। बाबा कहता है मुझे तो सारे पसंद है। मिस्टर गोंग कहता है तो सारे पैक कर दो। सेल्स के लाके फ्रांस का पर्स दिखाती है। वो कहती है अच्छा है पर कितने का है। सेल्स गर्ल कहती है 3 लाख। तो सोचती है इससे तो हमारा कई महीनों का खर्चा चल जाएगा, और कहती है जरूरत नहीं है। मिस्टर गोंग कहता है पैक कर दो। दूसरी सेल्स गर्ल कहती है फ्रांस से बहुत अच्छी ड्रेसेस आई हैं, ट्राई कर लो। वो मना कर रही थी पर बाबा उसे जबरदस्ती भेज देता है। वो कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। मिस्टर गोंग कहता है तो मिलियंस की भी नहीं खरीद सकती, बच्चों को बेच के पैसे कम पड़ गए क्या। फिर वो ड्रेस ट्राई करने चाहती है। मिस्टर गोंग बाबा को जोक सुना रहा था। बाबा सोचता है फैमिली साथ हो तो कितना अच्छा लगता है। जिन्यू जैसे ही वो ड्रेस ट्राई करके आती है, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मिस्टर गोंग उसे देखते रह जाता है। बाबा कहता है मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सीएसएल कहती है आप कार्ड से पे करेंगे या कैश। वो सोचती है इतने पैसों की होगी, और अपना कार्ड देने लगी थी, बट मिस्टर गोंग अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। बाबा कहता है चलो मम्मी डैडी फोटो खिंचवाए, डैडी मुझे हक करो। वो गोद में उठा लेता है। तो कहता है मम्मी डैडी मुझे किस करो एक साथ। वो दोनों जब उसे किस करने लगे थे बीच में से हट जाता है और उन दोनों का किस हो जाता है। फिर बाबा अपने डैडी के पास जाता है। आप मम्मी के बारे में क्या सोचते हो। वो कहता है क्या मतलब। तो कहता है ये देखो। मिस्टर गोंग कहता है वाइफ को पटाने का प्लान। बाबा कहता है मैंने सुना तुम बुरी लड़की से शादी नहीं कर रहे, तो मैं तुम्हें मम्मी को परस्यू करने के चांस देता हूँ। वो कहता है किसने कहा मैं उसे पटाना चाहता हूँ। बाबा कहता है मैंने देखा था मम्मी को किस करके तुम कितना ब्लश कर रहे थे। मिस्टर गोंग कहता है इतनी छोटी एज में तुम्हें ये सब कौन सिखाता है, जाकर सो जाओ। पर उसके जाने के बाद उस प्लान को छूने वाला था। बाबा कहता है खोलना मत भूलना। तो एकदम से हाथ पीछे कर लेता है। फिर उठा के पढ़ने लगा था वाइफ की लव और केयर करनी पड़ेगी। मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। पर देखने में क्या चाहता है, वैसे भी जिन्यू के सबसे क्या रिलेशन। और फिर खुश होकर जिन्यू को मैसेज करने लगा था, पर तभी उसके क्रेडिट कार्ड में से पैसे कटने का बिल आता है। बच्चों को छोड़ के रात में बाहर में घूम रही है, लालची कहेगी, और गुस्से से नहाने चला जाता है। इधर जिन्यू सो रही थी तभी उसे सपना आता है, मिस्टर गोंग ने उसके सारे बच्चों को छीन लिया और वो रो रहे हैं। वो रोती पीछे भागती है मेरे बच्चे वापस कर दो, तभी सपने से उठ जाती है। कितना डरावना था, मुझे अपने बच्चों को बचाना ही होगा। ग्रैंडमा बिजी थी तो जिन्यू अकेली जाने लगती है। ग्रैंडमा कहती है गिफ्ट्स रेडी है ना, और कार में बैठती है। जैसे ही जिन्यू पार्टी में आती है सब उसे देखते रह गए थे। जियांग कहती है अपने बॉयफ्रेंड को लेके नहीं आई। जिन्यू कहती है वो काम में बिजी है। जियांग कहती है वीकेंड पे भी ओवर टाइम कर रहा है, लगता है बहुत पुअर होगा। और तेरी वो कूड़े उठाने वाली बुढ़िया कहाँ है। जिन्यू कहती है अगर कंपनी में क्लीनर ना हो ना, तुम लोग शांति से ऑफिस में काम ना कर पाओ, तो सबकी इज्जत करना सीखो। तभी एक लड़की आकर जिन्यू की थप्पड़ मार देती है, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को सड्यूस किया। मैनेजर कहता है इसी ने मुझे सड्यूस किया। पर जिन्यू तो इन दोनों में से किसी को नहीं जानती थी। जियांग तू मुझे फंसा रही है। जियांग कहती है अच्छा तेरे लिमिटेड एडिशन कपड़े, इतने एक्सपेंसिव इयररिंग्स, पर्स कहाँ से आया। तू मैनेजर को सड्यूस करके कंपनी में घुसी है ना। जिन्यू की इयररिंग्स पकड़ के खींच देती है। पता है ये लड़की तो कॉलेज के टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई थी। पास्ट में हम देखते हैं स्कूल के टाइम पे जिन्यू को उसकी क्लासमेट्स बुली करती थी, तो होटल में पकड़ी गई, स्कूल की रेपुटेशन खराब कर दी। पर तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स गिफ्ट लेके आ गए थे यंग लेडी के लिए। सब लोग कहते हैं प्रेजेंट अपनी वाइफ को कितना लव करते हैं, ये जियांग के लिए होंगे। जियांग कहती देखा मैं फ्यूचर रिचेस्ट लेडी हूँ, जब चाहे तुझे फायर करा सकती हूँ। जिन्यू कहती है मैंने कोई गलती नहीं की है, तो बिना बात के फायर नहीं कर सकती, और पहले मिस्टर गोंग से पूछो। जियांग कहती है मिस्टर गोंग ने मुझे इतने सारे गिफ्ट भिजवाए हैं, तो फायर करवाना कौन सा बड़ी बात है। बॉडीगार्ड्स कहते हैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, और जिन्यू को ग्रीट करते हैं ओल्ड लेडी ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाए हैं। जियांग कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ग्रैंडमा की एंट्री होती है, क्यों नहीं हो सकता। जियांग कहती है लगता है बुढ़िया अमीर बनने का नाटक कर रही है, तेरा वो रिच ग्रैंडसन कहाँ है। ग्रैंडमा कहती है वो आता ही होगा, पर मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, जिन्यू मिस्टर गोंग की वाइफ है और मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ। जियांग कहती है झूठ मत बोल, मैं मिस्टर गोंग की फियांसे हूँ। गर्लफ्रेंड ग्रैंडमा की मानने वाली थी तो बॉडीगार्ड से ठोक डालता है। ये मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा है, गोंग ग्रुप की लार्जेस्ट शेयर होल्डर। मैनेजर कहता है मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा तो बहुत टाइम से फॉरेन में है, इसे तो जिन्यू ने हायर किया होगा।
ये तो क्लीनर है। जिन्यू कहती है, ग्रैंडमा आप मेरे लिए नाटक मत करो, यहाँ से चली जाओ। ग्रैंडमा कहती है, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन टच करता है। वो कहती है, यानी आप सच में मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा हो? ग्रैंडमा कहती है, सॉरी मैं तुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई पहले। जियांग कहती है, मैंने अभी ओल्ड लेडी को फोन किया था, ये मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा नहीं है, मिस्टर गोंग और उसके ग्रैंडमा अभी आने वाले हैं। बॉडीगार्ड्स बाहर निकालो इसे। बॉडीगार्ड्स ऐसे सब करने वाले थे। सुपरवाइजर कहता है, ये तो मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा है, मिस्टर गोंग के फैंसे हो गए, तुम ओल्ड लेडी को नहीं पहचान पाई? तो वो सब लोग डरने लगे थे। जियांग कहती है, ग्रैंडमा मैं तो मजाक कर रही थी, हम तो फैमिली है ना। ग्रैंडमा उसे धक्का मार देती है, तू नहीं, जिन्यू मेरी फैमिली है। जियांग कहती है, पर मैं मिस्टर गोंग से शादी करके रहूंगी। तभी मिस्टर गोंग आ जाता है बाबा को लेकर, कौन तुमसे शादी करने वाला है? जियांग उसके पास आती है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। बाबा कहता है, मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ग्रैंडमा कहती है, तू लेट कैसे हो गया? जिन्यू सरप्राइज कैसे लगा? यही मेरा ग्रैंडसन है, रिच और हैंडसम। वो सोचती है, अगर मुझे पता होता कि मिस्टर गोंग ग्रैंडमा का ग्रैंडसन है तो मैं कभी नहीं आती। जियांग ग्रैंडमा से माफी मांगने लगी थी। ग्रैंडमा कहती है, मेरे ग्रैंडसन से दूर रहे, मेरी उससे शादी नहीं हो सकती। बाबा कहता है, इसका मतलब मम्मी डैडी की होगी। मिस्टर गोंग अनाउंस करता है कि मैं इस जियांग से एंगेजमेंट कैंसिल कर चुका हूँ। जियांग माफी मांगती है। ग्रैंडमा कहती है, जिन्यू तू बता इसने कितना कितना बुरा किया है। जिन्यू कहती है, मुझे और ग्रैंडमा को बुली किया और बाबा को भी अब्यूज किया। मिस्टर गोंग कहता है, अब से गोंग ग्रुप का जियांग फैमिली से कोई रिलेशन नहीं होगा। जियांग कहती है, तुम्हें बच्चे पसंद है, मैं तुम्हें बच्चे दे सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है, तेरी जरूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। मिस्टर गोंग और बाकी सब हैरान, 3 बच्चे? तो ग्रैंडमा अनाउंस करती है, मैंने रिसेप्शन पार्टी अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए रखवाई है, उसने गोंग फैमिली को 3 वारिस दिए हैं और DNA रिपोर्ट दिखाती है। मिस्टर गोंग कहता है, मुझे पहले से शक था, तुम तो बड़ी चलाक निकली। ग्रैंडमा कहती है, मैं तो उसे छुपाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस मौके की तलाश में थी। तो गुस्सा तो नहीं है, मेरा बहुत सारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का सपना पूरा हो गया। मिकिरिकी कहते हैं, छोड़ो हमें, बॉडीगार्ड छोड़ते हैं तो भाग के जाके अपनी मम्मी को हक कर लेते हैं। जिन्यू सोचती है, ये दोनों तो पकड़े गए, अब सिर्फ 3 बच्चे हैं। मिस्टर गोंग कहता है, बच्चों क्या तुम भी मुझे बाबा की तरह डैडी बोल सकते हो? वो जिन्यू की तरफ देखते हैं, उसके इशारा करने पे डैडी बोल के उसे हक कर लेते हैं। अब से कोई हमें बिना बाप के बच्चे नहीं बोलेगा। वो कहता है, सॉरी डैडी की गलती है, अब से मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तो सब लोग मिस्टर गोंग को कंग्रेचुलेट करने लगे थे। मैनेजर उसकी गर्लफ्रेंड भागने लगे थे। ग्रैंडमा कहती है, रुको अभी क्या बोल रहे थे? तो वो दोनों पैरों में गिर जाते हैं, प्लीज जिन्यू हमें माफ कर दो। जिन्यू कहती है, तुम्हारे जैसे लोग इम्प्लॉयज को बुली करते हैं। बाबा कहता है, निकाल दो इन्हें। तो मिस्टर गोंग उसे फायर कर देता है। ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें शहर से बैन किया जाता है। मिकी रिकी कहते हैं, ये बैन किया, चिढ़ाने लगे थे। वो दोनों कहते हैं, इस जियांग ने हमें ऐसा करने को बोला था। तो मिस्टर गोंग जियांग कंपनी के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल करके उसे भगा देता है। ग्रैंडमा कहती है, चलो पार्टी स्टार्ट होती है, सब बच्चे खुश होने लगे थे। तो कहती है, स्टार्टिंग होगी कपल के डांस से। बच्चे जिन्यू को धक्का मारते हैं तो वो मिस्टर गोंग की बाहों में गिर जाती है, देखने लग जाती है। तो कहता है, सॉरी मेरी फियांसे जरा नर्वस है। और फिर दोनों कपल डांस करने लग जाते हैं तो सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। मिस्टर गोंग कहता है, ग्रैंडमा को 3 बच्चे बहुत पसंद है तो मैं 3 बच्चे ले लूंगा तुमसे। वो कहती है, कभी नहीं, तुम पहली बार बाप बने हो, तुम्हें नहीं पता बच्चों को कैसे पालते हैं। वो कहता है, पुराना रूल, 1 बच्चे के 1 मिलियन। वो कहती है, मुझे समझ के रखा है। तो कहता है, रात में नाइट क्लब में जाती हो, तुम कौन सा कोई अच्छी मॉम हो? तो कहती है, कौन सा नाइट क्लब, क्या बोल रहे हो? ठीक है तुम बच्चों का ध्यान रख लो, पर अगर वो वापस आने की जिद करेंगे तो मैं भेजना होगा। वो कहता है, ओके डील। फिर जिन्यू ने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला दिया था। वो सोचता है, काश ये सिर्फ लालची ना होती। वो गिरने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है। ग्रैंडमा ने देखती है, उन्हें लग रहा था कि उनका किस हो रहा है, इसलिए चली जाती है चुपचाप, पर वो दोनों एकदम दूर हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें पहली बार देख के मुझे लगा था मेरी रिलेटिव हो। वो कहती है, कौन से रिलेटिव? तो कहती है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इस नलायक को लड़कियों को खुश करना नहीं आता, अगर इसने कुछ किया ना तो मुझे बता देना, मैं सबको सिखाऊंगी। जिन्यू कहती है, काफी रात होगी, मुझे जाना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है, आ जाओगी, हमारा इतना बड़ा घर है। जिन्यू मना कर रही थी। मिस्टर गोंग कहता है, ग्रैंडमा रेस्ट करिए, मैं इसे छोड़ाऊंगा। वो कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, बट वो उसे खींच के ले गया था। 3 बच्चों का स्कूल जाना है तो तुम्हारे घर जाके स्कूल बैग ले आता हूँ। वो कहती है, नहीं नहीं मैं ले आती हूँ, तुम यही रुको। बट वो उसे खींच के कारपेट डाल लेता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो, यहाँ कैमरास लगे हैं। तो कहता है, तुम मुझे ऊपर ले जाने से डर क्यों रही हो, क्या छुपा रखा है, कोई लड़का? वो कहती है, तुम उससे नफरत करते हो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे, और निकल के भाग जाती है। वो कहता है, हर रात नाइट क्लब जाती है, मुझे सुना रही है। जिन्यू कहती है, अमीर है तो कुछ भी बोलेगा, मन कर रहा है उसके टांगे तोड़ दूं। फिर मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है। रोज कहती है, मम्मी 3 भाइयों को डैडी के घर पे रुकना पड़ रहा होगा। वो कहती है, वही तो, उन्हें तो वहाँ की आदत भी नहीं है, मेरे बिना सुबह उठ के रो रहे होंगे। पर इधर हम देखते हैं मेड्स बाबा और मिकी रिकी को उठाकर उन्हें ब्रश करा रही थी, नहला रही थी। फिर वो बच्चों को खाना देती है, सोचती है पता नहीं किसी ने उन्हें ब्रेकफास्ट बनाकर दिया भी होगा या नहीं। इधर हम देखते हैं बहुत सारे मेड्स उनके लिए अलग अलग डिशेस बनाकर लाई थी कि बच्चे खुश हो जाते हैं और ठूसने में लगे हुए थे। फिर जिन्यू इतनी गर्मी में व्हाइट रोज लिली को लेके बस स्टैंड पे खड़ी थी, पता नहीं बाबा मिकी रिकी वहाँ पे खुश भी होंगे या नहीं। और इधर हम देखते हैं ये तीनों बहुत खुश हैं कि कार में जाएंगे आज तो।
मिस्टर गोंग कहता है आज तुम्हें डैडी स्कूल में छोड़ने जाएंगे। जिन्यू तीनों बच्चों को बस में लेके जा रही थी जहाँ बहुत भीड़ होती है। उन्हें बचा रही थी तभी फोन में देखती है मुझे उन तीनों शैतानों की चिंता हो रही थी और वो तो वहाँ मजे कर रहे हैं। जैसे वो कंपनी में आती है सब उसे ग्रीट कर रहे थे। और एलिवेटर बंद हो गया था, दूसरे वाले में जाने लगती है, उसमें मिस्टर गोंग होता है तो कहती है मिस्टर गोंग ये मिकी रिकी का सामान है उन्हें दे देना। मिस्टर गोंग कहता है तुम्हारे बिना भी वो गोंग फैमिली में बहुत खुश है, इतने डार्क सर्कल हो रहे हैं रात भर सोई नहीं क्या, मुझे बच्चे देखकर खुद तो नाइट क्लब में मजे किए होंगे। तो कहती है क्या बोल रहे हो मैंने स्मोकी मेकअप किया है। मिस्टर गोंग को मिकी रिकी के सामान में एक डायरी मिलती है वो पढ़ने लगा था। मम्मी हमेशा घर लेट आती है बहुत सारे काम करती है, मम्मी हमें टेस्टी खाना खिलाने के लिए बहुत मेहनत करती है, काश हमारे रिच डैडी होते मेरा सपना पूरा हो गया रिच डैडी मिल गए पर वो तो स्कमबैग निकला। मिस्टर गोंग उसे फेंकने वाला था पर फिर आगे पढ़ने लगता है। हमारे बड़े भाई बाबा ने डिसाइड किया वो डैडी को ढूंढेगा ताकि हम ब्रदर सिस्टर को सफर न करना पड़े। मिस्टर गोंग हैरान ब्रदर सिस्टर पढ़ता है डैडी तो बहुत पूरे निकले मम्मी को एक चिल्लर भी नहीं दी, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। तो गुस्से से फोन करता है जिन्यू को मेरे ऑफिस में भेजो मैंने उसे ऑलरेडी 1 बिलियन दिए हैं पर उसने बच्चों के सामने मेरी बुराई की। आरे एम्प्लॉय जिन्यू को घेर के खड़े थे उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे। तुम्हारे लिए कॉफी हम तुम्हारे काम में हेल्प करें, जिन्यू कहती नहीं नहीं थैंक यू। उसे मैसेज आता है सब एम्प्लॉयज देख रहे थे तो सोचती है मुझे इतने सारे पैसे किसने ट्रांसफर कर दिए। असिस्टेंट के आते सारे एम्प्लॉयज भाग जाते हैं, वो कहता है बॉस ने तुम्हें बुलाया है। तो सोचती है मुझे तो व्हाइट रोज लिली को स्कूल से लेने जाना था। ऑफिस में आती है बॉस आपने बुलाया, वो कहता है बाबा के ब्रदर सिस्टर्स भी हैं। तो कहती है क्या बोल रहे हो, वो कहता है मैंने तुम्हें 1 बिलियन दिए थे पर डायरी में बच्चे मेरी बुराई लिख रहे हैं। वो कहती है तुमने बच्चों की डायरी में चाकाचाकी की, उनकी प्राइवेसी है। वो कहता है तुम बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काती हो, उसके क्लोज होने लगा था वो पीछे गिर जाती है तो पकड़ लेता है फिर उसे किस करने वाला था तो वो हाथ आगे कर देती है। मिस्टर गोंग इनफैक्ट मैंने वो कार्ड पर तभी दोनों को फोन आता है कि उनके बच्चे गायब है स्कूल से, दोनों भागने लगे थे। ग्रैंडमा और बच्चों का फोन नहीं लग रहा था, जिन्हें सोचती है शुक्र है व्हाइट रोज दिल्ली भी स्कूल में है। फोन करती है बच्चे कहते हैं मम्मी हमें बचा लो। मिस्टर गोंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला, जब मेरा फोन नहीं लग रहा तो तुम्हारा कैसे लग गया। असिस्टेंट बताता है कि ऑलरेडी बच्चों के साथ एम्यूजमेंट पार्क में है तो मिस्टर गोंग जल्दी से भागने लगा था। फिर ग्रैंडमा बच्चों के साथ एम्यूजमेंट पार्क में मजे कर रही थी और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। एक लड़का लिली को धक्का मार गिरा देता है। ग्रैंडमा कहती है चलो सॉरी बोलो बट वो कहता है मैं नहीं माफी मांगूंगा। उस बच्चे की मॉम कहती है ये तो तुम्हारे स्कूल के वही जंगली बच्चे हैं जिनका बाप नहीं है। रोज लिली कहते हैं हमारे डैडी हैं, वो लोग जाने लगे थे पर ग्रैंडमा कहती है रुको पहले माफी मांगो। देन वो ग्रैंडमा के थप्पड़ मारने वाली थी तभी जिन्युआ के हाथ पकड़ लेती है। इनफैक्ट उसने मिस्टर गोंग को झूठ बोला था मेरे पेट में दर्द हो रहा वॉशरूम जाना है और भाग के पहले आ गई थी। वो लेडी कहती है हम नहीं माफी मांगेंगे मेरे बेटे ने इसे धक्का नहीं मारा। तो जिन्यू से डरा के गिरा देती है। तो कहती है तूने मेरे बेटे को डराया, जिन्यू कहती है किसी ने देखा डराते हुए। ग्रैंडमा और बच्चे कहते हैं हमने तो नहीं देखा। वो लेडी उल्टा से तो बोलने लगी थी तो जिन्यू थप्पड़ मार देती है देखो बच्चों कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए पर बुली करने वाला को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और बच्चों को लेके जाने लगी थी वो लेडी अपने हस्बैंड को कॉल करती है। जिन्यू और बच्चे जा रहे थे तो उनको घेर लेती है, धक्का मारने लगी थी तभी मिस्टर गोंग आके उसे पकड़ लेता है। बच्चे बताते हैं कि डैडी इस लड़के ने रोज को धक्का मारा, माफी नहीं मांगी ऊपर से हम ही मार रहे हैं। मिस्टर गोंग हैरान क्या बोला डैडी, तो कहते हैं हाँ डैडी। वो कहता है क्या ये तीनों बच्चे भी मेरे हैं। वो लेडी कहती है तुझे नहीं पता ये जंगली हैं। मिस्टर गोंग कहता है किसने कहा ये जंगली हैं, मैं इनका बाप हूँ। वो लेडी कहती है तो क्या हुआ, मेरा हस्बैंड डिंग ग्रुप का मैनेजर है, चल माफी मांग। मिस्टर गोंग कहता है माफी तो तुम मांगोगी। और असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। तभी उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है तो उसे शिकायत करने लग जाती है कि मारो इसे बट उसका हस्बैंड उसी को मार देता है। मिस्टर गोंग बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमें माफ कर दीजिए। तो बच्चा माफी मांगता है। रोज कहती है मम्मी ने कहा है जो माफी मांगे उसे माफ कर दो। तो मिस्टर गोंग उन लोगों को जाने देता है। जिन्या बताओगी नहीं ये तीनों बच्चे मेरे हैं। इससे पहले जिन्या कुछ बोलती डॉक्टर को बताता है कि तुम्हारे 3 बच्चे और हैं। जिन्या ने 5 साल पहले 6 बच्चों को जन्म दिया था। जिन्या पकड़ी जाती है तो बच्चे हंस रहे थे। ग्रैंडमा कहती है ये कौन सी बड़ी बात है। वो कहता है ग्रैंडमा आपको पता था। ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या मैं तेरी तरह भोंदू थोड़ी ना हूँ। जिन्या भागने लगी थी। मिस्टर गोंग कहता रुको हमारे 6 बच्चे हैं और तुमने सिर्फ मुझे एक दिया। वो कहती है 3 दे तो दिए। वो कहता है अगर मैं उन दोनों को न ढूंढता तो तुम तो उन्हें भी छुपा के रखती। अगर डॉक्टर ना बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम अपने 3 बच्चों को घर छोड़ के नाइट क्लब में जाती थी रोज। असिस्टेंट कॉल करता है सबसे बड़ी वाली रोल्स रॉयस भेजो, बहुत सारे बच्चे हैं नॉर्मल कार में फिट नहीं आएंगे। जिन्हें कहती है तुम बीमार हो क्या कुछ भी बोलते हो, मैं तुमसे बच्चे इसलिए छुपा रही थी ताकि तुम बच्चों की मुझसे कस्टडी ना लो, बच्चों को जन्म दिया पाला और तुम मुझ पे 1 बिलियन फेंक के चले गए, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे बच्चों के साथ रहना है। ग्रैंडमा से उसके ऊपर धक्का मार देती है अब हम फैमिली साथ में है तो अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। और फिर वो 6 बच्चों को घर ले आते हैं। मिस्टर गोंग को बच्चों के साथ खेलते देख वो सोचती है ये अच्छा बाप है।
फिर ग्रैंडमा उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट देने लगी थी जबकि जिनी मना कर रही थी, फिर भी दे देती है। मिस्टर गोंग, मिकी से पूछता है, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, तुमने डायरी में ये क्यों लिखा कि मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने तो बहुत सारे पैसे दिए थे। रोज दिल्ली कहते हैं, मम्मी तो खुद मेहनत से कमा के खाना लाती थी। तो वो असिस्टेंट को कॉल करता है, चेक करो कार्ड यूज कौन कर रहा था। ग्रैंडमा से कहता है, मैंने तीन बच्चों की आइडेंटिटी रिवील कर दी है और बाकी तीनों का भी ऑफिशियल अनाउंस कर दूंगा ताकि फ्यूचर में कोई उन्हें बुली न करे। फिर मिस्टर गोंग और जिन्यू सारे बच्चों को घुमाने लेके जा रहे थे। जियांग देख लेते गुंडे कॉल करती है, बच्चे जब ग्रैंडमा के साथ खेल रहे थे। गुंडे कहते हैं, अबे यार इतने सारे बच्चे, अबे इनको किडनैप कैसे करेंगे? ऐसा कर, तू इन तीनों को पकड़, तू इन तीनों को पकड़, मैं बुढ़िया को पकड़ता हूँ। और फिर तीनों गुंडे जाकर उन सबको पकड़ लेते हैं जबकि बच्चे रो रहे थे। इधर जिन्यू को फोन आता है, तेरे छह बच्चे मेरे पास हैं, बचा रहे तो इस एड्रेस पे आ जा। बच्चों को फोन नहीं लग रहा था, मिस्टर गोंग से टकरा जाती है, क्या हुआ? तो कहती है, बच्चों की किडनैप हो गया, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है, उसे पैसे चाहिए? प्लीज बच्चों की आइडेंटिटी रिवील मत करना, वो मेरे साथ ज्यादा सेफ रहेंगे। मिस्टर गोंग कहता है, चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चों को ढूंढ लूंगा। उसे हक कर लेता है। इधर ये तीनों गुंडे सबको पकड़ लाए थे पर बाबा गुस्से से घूर रहा था। ग्रैंडमा कहती है, छोड़ दे हमें, मेरा ग्रैंडसन बहुत रिच है, तुम्हें बहुत पैसे देगा। सारे बच्चे रो रहे होते हैं तभी मिस्टर गोंग और जिन्यू बॉडीगार्ड लेके आ गए थे और बच्चों को बचा लेते हैं। बाबा गुंडों के पास था, जैसे चाकू मारने लगता है गुंडा उसके, मिस्टर गोंग उसे बचाने लगता है। जिन्यू कहती है, बाबा तुम ठीक तो हो ना, ये ब्लड इन्फेक्ट मिस्टर गोंग के चाकू लग गया था। तो रोने लग जाती है। वो कहता है, तुम और बच्चे ठीक तो है ना? और उसकी आईज बंद। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर कहता है, आपका हस्बैंड अब बेटर है, इसका ध्यान रखना होगा। तो कहती है, हस्बैंड डॉक्टर आप गलत समझ रहे हो। मिस्टर गोंग उठते पूछता है, बच्चे और ग्रैंडमा कहाँ है? तो कहती है, वो डर गए थे, असिस्टेंट उन्हें घर ले गया। डॉक्टर कहता है, मिस्टर गोंग आप बहुत लकी हो, आपकी वाइफ को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, लगता बहुत प्यार करती है आपको। मिस्टर गोंग असिस्टेंट से कहता है, मैंने सिर्फ तीन बच्चों की अनाउंसमेंट की है, बाकी तीन बच्चे तो टॉप सीक्रेट थे, इसका मतलब किसी जान पहचान वाले ने किडनैप करवाया है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने भेज दो। चार बच्चे भाग कर जाके अपने डैडी को हक कर लेते हैं। डैडी आपको दर्द तो नहीं हो रहा? चिंता मत करिए, हम आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मिस्टर गोंग कहता है, थैंक गॉड मुझे छह बेबी मिले हैं। ग्रैंडमा कहती है, किसने कहा छह बेबी? सात बेबी, जिन्यू भी तो बड़ी बेबी है। फिर ग्रैंडमा सभी बच्चों को ले जाती है। जिन्यू कहती है, गेट लॉक है, खुल नहीं रहा। वो हंस के कहता है, जरूर ग्रैंडमा ने किया होगा, वो चाहती है हमारी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। जिन्यू कहते हैं, रियल कपल थोड़ी ना है, बस बच्चों के लिए शो ऑफ कर रहे हैं। मैं सोफे पे सो जाऊंगी, और सोफे पे सोने लगती है। उसे सराहने लगा था और फिर मॉर्निंग में उठ के देखता है, जिन्यू उसे हक करके सो रही है। उसे देख के सोने का नाटक करता है, वो सोचती है, क्या मैंने रात में स्लीप वॉक किया? और उठ के भाग जाती है। इधर जियांग शहर छोड़ के भाग रही थी पर तभी पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है किडनैपिंग के जुर्म में। सब साथ में खाना खा रहे थे। ग्रैंडमा कहती है, जिन्यू कल रात अच्छी नींद आई? बच्चे कहते हैं, मम्मी तो ब्लश कर रही है। जिन्यू कहती है, गर्मी है ना इसलिए। लिली कहती है, मम्मी एसी चल रहा है। तो सब हंसने लगते हैं। असिस्टेंट बताता है, यही लड़की आपका कार्ड यूज करती पाई गई। तो मिस्टर गोंग बहुत गुस्से में था और फिर कंपनी में आता है, सोचती है मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तुम मुझसे प्राइवेट में बात नहीं कर सकते थे, सब हमें गलत समझेंगे। मिस्टर गोंग कहता है, मैंने तुम्हें अपना 1 मिलियन का कार्ड दिया था और तुमने कितने पैसे उड़ा दिए, इवन नाइट क्लब में भी यूज किए। वो कहती है, 1 मिलियन, मैंने तुम्हारे कोई पैसे यूज नहीं किए, वो कार्ड तो खो गया था, तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है, जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है। मुझे पता है, जिन्हें उसके मारती है, तुम मुझे गलत समझ रहे थे, मैं अपने बच्चों को कैसे बेच सकती हूँ, छोड़ो मुझे। बट मिस्टर गोंग घुटनों के ऊपर बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। सारे एम्प्लॉयज उसे हाँ करने को बोलने लगे थे और ग्रैंडमा भी बच्चों को लेकर आ जाती है। सब बच्चे कहते हैं, मम्मी हमें डैडी चाहिए। ग्रैंडमा कहती है, अगर इसने परेशान किया ना, आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगी। वो हंसने लगती है और फिर शादी के लिए आकर देती है तो उस रिंग पर आकर हक कर लेता है। उन्हें नाचते देख बच्चे भी नाच पड़ते हैं। मिस्टर गोंग कहता है, सारे एम्प्लॉयज को 10,000 बोनस मिलेगा। तो एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं। इधर कजन शॉपिंग करने आई थी, रिसेप्शन बताती है तुम्हारा कार्ड फ्रीज है। कजन कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे कितनी बार यूज किया है। उसका बॉयफ्रेंड जियाना के उससे पैसे मांगता है, मैं जॉब से फायर हो गया हूँ। तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है, तुम लोगों ने 1 बिलियन का क्रेडिट कार्ड चुराया है। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे थे, इसने पैसे खर्च किए हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। मिस्टर गोंग और जिन्यू ने दूर से खड़े देख रहे थे और स्माइल करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।